हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोडक्ट केमिस्ट्री क्लास। मेरा नाम है जयदिया और आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने नए फ्रेश टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट। बहुत से स्टूडेंट्स को इसमें डाउट होता है, बहुत से स्टूडेंट्स को रट लेते हैं, बट इसमें ऐसा कोई भी डिफिकल्टी वाला टॉपिक नहीं है। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कॉन्सेप्ट आपको अगर समझ में आ जाता है तो आप बहुत इजीली ये पता कर सकते हैं कि ये जो गिवन कंपाउंड है इसमें इनॉल का परसेंटेज ज़्यादा होगा या कीटो का परसेंटेज ज़्यादा होगा। बहुत ही सिंपल सा तरीका है। तो ये हमारा टोटोमेरिज्म का सेकेंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि कौन कौन से कंपाउंड्स होते हैं जो टोटोमेरिक फॉर्म बना सकते हैं, उनके लिए रिक्वायरमेंट कंडीशन क्या होती है, सब चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस करा था। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आकर के वीडियो देखें। एंड बहुत दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं तो उसके लिए आप लोग के लिए सॉरी कि बहुत ज़्यादा गैप आ चुका है दो वीडियोज़ के अंदर। जो मैंने टोटोमेरिक फॉर्म वाला वीडियो बनाया था जिसमें हम लोगों ने कंडीशंस देखी थी टोटोमेरिज्म की, उससे लेकर के आज तक लगभग 14 डेज हो चुके होंगे, तो थोड़ा बिजी शेड्यूल था। अब हम लोग ट्राई करेंगे कि रेगुलर आपको वीडियोस मिलते रहें एंड आप लोग भी अपने टॉपिक को सजेस्ट करते रहें कि इस टॉपिक पर वीडियो जो है वो हमें चाहिए एंड इन टॉपिक्स पर हमें डाउट है। ओके, सो ये सारी चीज़ों को हम लोग दूर करके अब हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं कि किस तरीके से हम ये चेक कर सकते हैं कि किन किन कंडीशन में परसेंटेज ऑफ इनॉल जो है वो ज़्यादा हो जाता है किससे, परसेंटेज ऑफ कीटो से। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक सी इक्वेशन लिख के देता हूँ टोटोमेरिज्म की, जो बहुत ही बेसिक है। आप लोग उसको थोड़ा सा ध्यान से देखें, आप लोगों ने बहुत बार इसको देख रखा होगा। जनरली यही रिएक्शन जो है वो लिखी जाती है एंड फर्स्ट वीडियो में भी मैंने आपको यही रिएक्शन बताई थी, क्योंकि टोटोमेरिक फॉर्म हमें पता होना चाहिए। जो स्टूडेंट एकदम नए हैं तो उनको भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि क्या चल रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये आपके पास में दिस इज कीटो फॉर्म एंड दिस इज इनॉल फॉर्म। अब हमें इनका परसेंटेज पता करना है कि सब इनमें से किसका परसेंटेज ज़्यादा होता है और किसका परसेंटेज कम होता है। तो आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें इसमें आने वाली है एंड स्टेप वाइज कॉन्सेप्चुअली हम लोग ये डिफाइन करेंगे कि किस तरीके से कि परसेंटेज इनॉल कंटेंट क्यों ज़्यादा हो रहा है एंड कौन से ऐसे एक्सेप्शनल केसेज हैं जिसके अंदर हमें कौन से कॉन्सेप्ट लगाने हैं। तो बहुत ही ध्यान से, बहुत ही बारीकी से आप इसको देखें, समझें एंड बहुत ही अच्छे तरीके से फ्री माइंड के साथ इसको समझे, है ना, बर्डन लेके ना समझे कि किस तरीके से होगा। चलिए देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहला टॉपिक आता है कि जहाँ परसेंटेज इन ऑल कंटेंट ज़्यादा होता है वो होता है इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या होता है? इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है इन ऑल के अंदर, देन इन ऑल का परसेंटेज बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, कीटो के रेस्पेक्टिव। अब कैसे पता करेंगे कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही? अच्छा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो टाइप की होती है ना, इंट्रामोलिकुलर होती है, इंटरमोलिकुलर होती है। इंट्रामोलिकुलर क्या होती है? एक ही कंपाउंड के अंदर होती है, एक ही कंपाउंड के दो ग्रुप्स के बीच में हो जाती है, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में। एंड जो दूसरा अगर हम बात करें, दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है। खैर, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बातें हैं, हम लोग कभी और करेंगे, बट बेसिक आपको पता होना चाहिए था। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल है। देखो, CH3 सी डबल बॉन्ड आपको यहाँ दिया गया, फिर यहाँ CH2 दिया गया, फिर यहाँ सी डबल बॉन्ड ओ दिया गया, फिर यहाँ CH3 दिया गया। तो ये आपको डाइकीटोन दिया गया है एंड डाइकीटोन के अंदर अगर आप इसका इनॉल कंटेंट बनाना चाहें या इनॉल फॉर्म बनाना चाहें तो किस तरीके से बनाएंगे, ये मैं आपको पहले से बता चुका हूँ। अगर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन की बात करें, दिस इज ऑल्सो अल्फा कार्बन, ऑल्सो अल्फा कार्बन, ये दोनों अल्फा कार्बन है, बट मोस्ट एसिडिक कौन सा हो जाएगा हमारा? ये वाला अल्फा कार्बन जो है मोस्ट एसिडिक हो जाएगा। तो हम यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे एंड जो प्रोडक्ट बनेगा, आप दोनों में से किसी एक तरफ जो है इनॉल कंटेंट बना सकते हैं, वो आपके लिए फ्रीडम है उसका, आप आराम से बनाएं, कोई मना नहीं है। तो ये CH आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा आपके पास में C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ CH3। सो कुछ इस टाइप का आपको जो है इनॉल कंटेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कैसे बना। मैकेनिज्म दूर की बात है, मैकेनिज्म हम लोग बाद में देखेंगे। अब देखें ध्यान से कि इसके अंदर क्या हो रहा है। देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन होती है कि जो हाइड्रोजन होता है वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ जुड़ा होना चाहिए और वो अट्रैक्टेड भी किसके तरफ रहेगा? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ ही रहेगा। तो जनरली हाइड्रोजन बॉन्डिंग फोन में होती है, फोन वो वाला फोन नहीं, फोन होता है फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, तो इसको हम लोग बोलेंगे फोन। तो देखिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में अगर यहाँ पे बात करूँ तो ये वाला जो हाइड्रोजन, ध्यान से देख पा रहे हैं आप लोग, ये वाला हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ में अटैच्ड है, ऑक्सीजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, बहुत सिंपल सा, और ये इसकी तरफ अट्रैक्टेड रहता है और इनके बीच में क्या बन जाती है? बहुत ही अच्छे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। तो हमने इसको नाम दे दिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं?
तो इसको हमने नाम दे दिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग नाम दे दिया। और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगी तो इसके पास में एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाएगी, और जब मॉलिक्यूल के पास में एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है तो वो मॉलिक्यूल उसी फॉर्म में कन्वर्ट होने की ट्राई करेगा। सिमिलर ये तो सब जगह होता है कि अगर आपको भी कहीं पर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी दिख रही है देन आप भी उस तरफ भागेंगे। तो अगर इस मॉलिक्यूल को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी दिख रही है यहाँ पे, तो ये मॉलिक्यूल बहुत तेज़ी से इसमें कन्वर्ट होना स्टार्ट करेगा। यानी कि अगर मैं बात करूँ परसेंटेज ऑफ इनॉल की, तो ध्यान से देखें परसेंटेज ऑफ इनॉल इज़ ग्रेटर देन परसेंटेज ऑफ कीटो। क्या ये आपको बात समझ में आ रही है जो मैंने बात बताई? तो एक तो आपको पहला ध्यान रखना है कि ऐसे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल हो सकती है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, देन वहाँ परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट जो होगा वो ज़्यादा होता है। ठीक है, दूसरा हम लोग देखते हैं अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की भी कंडीशंस होती है। ध्यान रखना हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब हो सकती है कब नहीं हो सकती वो भी हमें पता होना चाहिए। तो सिंपल सा ध्यान रखना, अगर दो कीटोन के बीच में एक CH2 ग्रुप आता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे आप दो कीटोन्स के बीच की डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे, तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे अट्रैक्शन कम हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स है। तो अट्रैक्शन कम होता जाएगा तो उतना स्टेबिलिटी नहीं बन पाएगी, उतनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन पाएगी। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन पाएगी, आप कीटोन को दूर लेके जा रहे हो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनेगी। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनेगी तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी नहीं आएगी, तो वहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। तो वहाँ जनरल हम बोलेंगे कि परसेंटेज ऑफ कीटो इज ग्रेटर देन इनॉल फॉर्म। एक और चीज़ आप लोग ध्यान रखना, इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हमें ध्यान रखनी पड़ती है। ठीक है, इसीलिए लोग क्या करते हैं उनको रट लेते हैं, तो रटने वाली चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग ध्यान क्या रखना, मान लो कि कॉन्सेप्चुअल बातें चल रही है अपनी, कॉन्सेप्चुअल बात में क्या चल रहा है कि पहला अगर मैं डिस्टेंस बढ़ा दूं इनके बीच में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग अगर मैं वाटर ऐड कर दूं एज ए सॉल्वेंट, तो आप इस रिएक्शन में वाटर को एज ए सॉल्वेंट नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आप वाटर को एज ए सॉल्वेंट लेंगे तो वाटर बहुत जल्दी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से पहले ही क्या बन जाएगा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा। और जब वाटर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा फिर यहाँ कोई स्टेबिलिटी नहीं आएगी। तो इसके अंदर आप लोग वाटर को यूज़ नहीं करेंगे एज अ सॉल्वेंट, आप हमेशा नॉन पोलर जो सॉल्वेंट है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाते वही आप लोग इसमें यूज़ करेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो पहला डिस्टेंस बढ़ेगी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, दूसरा इसमें आप वाटर नहीं यूज़ कर सकते। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि गलती से भी आप अगर आपने इसमें पानी डाला तो आपकी करी कराई मेहनत पर पानी फिर जाएगा। समझ में आ रहा है? तो अगर आपने गलती से भी यहाँ इसमें पानी डाल दिया तो आपकी ये जो करी करी मेहनत होगी इस पर पानी फिर जाएगा, यानी कि आपका इनॉल कंटेंट ज़्यादा नहीं बनेगा। आपको ज़्यादा इनॉल कंटेंट बनाना है तो यहाँ पानी नहीं डालना और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को कम रखना। चलिए ये हो गई हम अपने पास में, अब इससे रिलेटेड कुछ एक दो एग्जाम्पल्स कर लेते हैं जो सिंपल सा एग्जाम्पल है। देखो हम लोग वही एग्जाम्पल्स करेंगे जो जिसके अंदर कुछ अलग कॉन्सेप्ट जो है वो यूज़ आ रहे होंगे। ठीक है, ये आपको एक कंपाउंड दिया गया है और आपको बोला गया है कि इसका एक टोटोमेरिक फॉर्म जल्दी से बना के बताएं, तो फटाफट से आप लोग बना के देखें इसका टोटोमेरिक फॉर्म कैसे बनेगा। तो सिंपल से यहाँ से आप अल्फा हाइड्रोजन हटा सकते हैं, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से हटा सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कहीं से भी हटा देता हूँ अपने को तो अल्फा हाइड्रोजन हटा करके यहाँ OH लगाना है और यहाँ O लगाना है, तो कुछ इस तरीके से बन जाए। गलती से आप यहाँ मत चेप देना है ना, तो थोड़ा आप लोग ध्यान रखें इसको किस तरीके से बनाना है। अच्छा साहब यहाँ पर ध्यान से देखें कि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी तो परसेंटेज ऑफ इनॉल जो होगा इट इज़ मोर देन कीटो। तो यहाँ परसेंटेज ऑफ इनॉल जो होगा वो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, किसके रिस्पेक्टिव, कीटो के रिस्पेक्टिव। एक तो ये बात। अच्छा एक और एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग, अब देखें आप लोग यहाँ पे ध्यान से आप लोग इस कंपाउंड को देखें। इस कंपाउंड में आपको बोला गया है कि टोटोमेरिक इसका फॉर्म बनाना कैसे बनेगा, बहुत सिंपल सा तरीका, ये अल्फा दोनों में से कहीं से अल्फा निकाल दो तो CH2 डबल बॉन्ड C, फिर यहाँ आ जाएगा OH, फिर यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ आ जाएगा CH3। एंड आप लोग बोलोगे बहुत ही आसानी से कि यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी। लेकिन इसका नाम केमिस्ट्री है तो आपको बस यहीं पे एक मिस्ट्री मिलेगी कि ये ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्सेप्ट ये आता है कि दो एडजेसेंट कार्बन के ऊपर बल्कि ग्रुप्स जो है स्टेबल नहीं होते हैं। अगर आपने दो कीटोन ग्रुप लगा रखे हैं, देखो यहाँ पे दो कीटोन ग्रुप्स हैं, तो ये दोनों कीटोन ग्रुप पास पास कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे, दोनों लड़ने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके पास में भी लोन पेयर है, इसके पास में भी लोन पेयर है, लोन पेयर का रिपल्शन लगेगा तो ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये अपना फॉर्म चेंज कर देगा। दूसरा, इन दो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, दिख रहा है सिंगल बॉन्ड,
सिंगल बॉन्ड के अलोंग रोटेशन हो सकता है, रोटेशन को अलाउ करता है, तो ये घूम जाएगा, है ना भाई। लड़ने से तो बढ़िया है कि आप क्या कर दो, एक दूसरे के अपोजिट चले जाओ। एक दूसरे के अपोजिट चले जाओगे तो कोई रिपल्शन ही नहीं होगा, एंड रिपल्शन नहीं होगा तो फिर कोई भी आराम से आप प्रोडक्ट बना सकते हो, है ना, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये फॉर्म जो होता है ये कन्वर्ट हो जाता है, किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है उसको हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। ये कन्वर्ट होता है CH3C(O), फिर यहाँ C(O), फिर यहाँ CH3। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे इसका टोटोमेरिक फॉर्म जो बनेगा वो क्या बनेगा, CH2(C), फिर यहाँ आएगा OH, फिर यहाँ आएगा C(O), फिर यहाँ आएगा CH3। और यहाँ कोई ऐसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, और अगर यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी तो बताओ यहाँ पे अगर मैं बात करूँ परसेंटेज ऑफ कीटो जो कि जनरल होता है वो ज़्यादा हो जाएगा एज़ कंपेरेटिव इनोल से। अब आप लोग एक चीज़ पूछना चाहो तो पूछ सकते हो, दिमाग में अगर आई है तो भी बढ़िया बात। देखो ये वाला जो कंपाउंड आपको दिख रहा है कि तो सर इसमें भी तो दोनों एडजेसेंट कार्बन पर ही है, फिर ये ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो ध्यान रखना इसमें कि यहाँ आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है कि देखो ये रिंग सिस्टम, और रिंग सिस्टम डबल बॉन्ड सिस्टम में कभी भी रोटेशन अलाउ नहीं होता है। आप रिंग को ऐसे रोटेट नहीं कर सकते, रिंग को रोटेट करोगे रिंग टूट जाएगी, तो ये अनस्टेबलाइज हो जाएगा रिंग टूटते, तो ध्यान रखना इसमें रोटेशन अवेलेबल मतलब पॉसिबल नहीं होता है। तो अगर इसमें रोटेशन पॉसिबल नहीं होता है तो ये रोटेट नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ स्टेबिलिटी आ जाती है, यहाँ पे आराम से बन जाते हैं, इसी तरीके से ये एंगल में मेंटेन हो जाते हैं। बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है, इसको ये रोटेशन कर सकता है आराम से, तो इसके पास में ऑप्शन है रोटेशन करने का, तो ये रोटेशन क्यों नहीं करेगा। तो ये रोटेशन करके घूम जाते हैं, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, तो परसेंटेज ऑफ कीटो इज़ मोर देन इनोल चला जाता है। ये बात आप लोग जरूर से ज़रूर ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पहला हमारा कॉन्सेप्ट है कि इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो परसेंटेज ऑफ इनोल जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन उसके लिए सावधानी आपको क्या रखनी पड़ेगी। सावधानी ये है कि डिस्टेंस ना बढ़ा दें दो कीटोन्स के बीच में। दूसरी सावधानी ये है कि वाटर ऐड ना कर दें, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड वाली कंडीशन के बारे में जो है कि एरोमेटिक करेक्टर्स। अगर एरोमेटिक करेक्टर आ जाते हैं तो भी परसेंटेज ऑफ इनोल जो है वो बढ़ जाता है। फिर आता है नेक्स्ट क्रॉस कंजुगेशन, सॉरी नॉट क्रॉस कंजुगेशन, एक्सटेंडेड कंजुगेशन। एक्सटेंडेड कंजुगेशन आएगा तो भी परसेंटेज ऑफ इनोल ज़्यादा हो जाता है। तो उन दोनों को डिस्कस करते हैं फटाफट से, आप उसको कॉपी करें, फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट पोर्शन के ऊपर। ओके स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं एरोमेटिक करेक्टर के बारे में। अगर इनोल में एरोमेटिक करेक्टर आ जाते हैं तो एरोमेटिक कौन नहीं बनना चाहता, सब लोग एरोमेटिक बनना चाहते हैं। तो एरोमेटिक बनने के लिए अगर एरोमेटिक करेक्टर आ जाते हैं इनोल बनाने पर, तो इनोल जो होता है वो ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाता है, उसका परसेंटेज ज़्यादा मिलेगा आपको, और ठीक है कीटो के रिस्पेक्ट। तो दूसरा अपने पास में क्या आ जाएगा, दूसरा अपने पास में आ जाएगा सेकेंड जो है अपने पास में, जिसको हम लोग नाम देंगे एरोमेटिक करेक्टर। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अब एरोमेटिक करेक्टर के लिए सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, इसी एग्जांपल से आप समझ जाएंगे। ये कुछ इस तरीके का कंपाउंड आपको दे दिया गया है, और इसमें आपके पास में यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। देखो इसमें अल्फा हाइड्रोजन की कंडीशन नहीं लगेगी, लेकिन इसमें रेजोनेंस होगा, या फिर हम बोल सकते हैं कॉन्जुगेशन है, डबल सिंगल डबल का कॉन्जुगेशन है। कहाँ तक जा रहा है? ऑक्सीजन तक जा रहा है। अब यहाँ पर ध्यान से देखें किस तरीके से होगा। अगर मैं यहाँ अल्फा हाइड्रोजन की बात करूँ तो अल्फा हाइड्रोजन इसमें नहीं है, तो मैं यहाँ से दो हाइड्रोजन को हटा देता हूँ, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, इसमें से मैं हाइड्रोजन हटाऊंगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। ये नेगेटिव चार्ज इसमें कॉन्जुगेशन करेगा और ये जो है ये कंपाउंड बनाएगा। अगर मैं इसका टोटोमेरिक फॉर्म बनाना चाहूँ तो बहुत ही सिंपल सा टोटोमेरिक फॉर्म बनेगा। कैसा बनेगा वो कुछ इस तरीके का बन जाएगा। ये एक काम करो, इसको यहाँ लगा दें, इसको भी यहाँ लगा दें, इसको यहाँ लगा दें, फिर यहाँ बन जाएगा OH। तो ये तो साहब फिनॉल बन गया, और फिनॉल बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, तो यहाँ परसेंटेज ऑफ इनॉल जो है वो नियरली 100% आप लोग इसको बोल सकते हो, 99.9%। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब ये बना कैसे उसको हम लोग देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर आप बात करें तो ये आपका कंपाउंड था, इस पर नेगेटिव चार्ज था, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये नेगेटिव यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ नेगेटिव बनाएगा, जो कि रेजोनेंस की कंडीशन होती है, और आई होप आपको रेजोनेंस की कंडीशन पता होगी। ये डबल बॉन्ड यहाँ आ चुका होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ चुका होगा, फिर ये नेगेटिव डबल और ये डबल यहाँ नेगेटिव बनाएगा। तो कुछ इस तरीके की जो इसकी स्ट्रक्चर्स है वो बन जाएगी, एंड फाइनली यहाँ पे ओ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, और जो हाइड्रोजन गया हुआ होगा वो हाइड्रोजन वापस आएगा, और हाइड्रोजन वापस आते ही सब ये फिनॉल में कन्वर्ट हो चुका होगा, और यहाँ आपके पास में फिनॉल बन चुका होगा। क्या बात समझ में आ रही? तो एरोमेटिक करेक्टर आ चुके हैं, तो एरोमेटिक करेक्टर कौन नहीं लेना चाहता, तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ इनॉल जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा एज रेस्पेक्टिव कीटो।
तो एक कंडीशन ये होती है कि अगर कंपाउंड में एरोमेटिक करेक्टर आ जाते हैं तो भी परसेंटेज बढ़ जाते हैं, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। तो जब भी आपको ऐसे कंपाउंड्स दिए जाएँ तो अगर आप चेक करना, ये तीन जो कंडीशंस मैं आपको बता रहा हूँ इन कंडीशन को चेक करना, आपको रटना कभी नहीं पड़ेगा। दूसरा, इसके बाद में हम लोग बात करते हैं तीसरे वाले कंपाउंड के बारे में। तो तीसरे के अंदर अपने पास में क्या आता है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है कि अगर कॉन्जुगेशन एक्सटेंड हो जाता है तो भी परसेंटेज ऑफ फिनोल जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो उसके लिए एक सिंपल सा अपने पास में एग्जांपल है, एग्जांपल है देखो पीएच, फिर यहाँ सी डबल बॉन्ड ओ, फिर यहाँ मैंने लगा दिया CH2, फिर यहाँ सी डबल बॉन्ड ओ, फिर यहाँ मैंने लगा दिया CH पीएच। तो देखो दोनों तरफ मैंने फिनाइल रिंग लगा रखी, तो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हो जाएगा। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन होगा तो यहाँ पे अपने पास में जो फिनोल बनेगा, सॉरी नॉट फिनोल, जो इनोल कंटेंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, पीएच, फिर यहाँ सी डबल बॉन्ड ओ, फिर यहाँ आएगा सीएच डबल बॉन्ड सी, फिर यहाँ आएगा ओएच, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास में, पीएच आ जाएगा। एंड यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो रही है एंड ऊपर से आपको एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन भी मिल रहा है, यानी फिनाइल रिंग से इसका कॉन्जुगेशन बढ़ जाएगा। तो वहाँ पर भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन होने की वजह से, यानी ऐसी सिस्टम दिखे तब भी आप क्या बोल सकते हो कि इनोल का परसेंटेज कीटो के रिस्पेक्टिव ज़्यादा है। एक क्रॉस कॉन्जुगेशन हो रहा है उससे परसेंटेज डिक्रीज हो जाते हैं, तो उसको ध्यान रखना है ना, उसको मैं लिख देता हूँ ताकि आप कन्फ्यूज ना हो। एक आता है क्रॉस कॉन्जुगेशन। अब क्रॉस कॉन्जुगेशन क्या होता है, देखो सिंपल सा तरीका है, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ, फिर यहाँ मैंने लगा दिया सपोज मैंने लगा दिया OCH3। ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ यहीं से आप क्या निकाल सकते हो, अल्फा हाइड्रोजन निकाल सकते हो, ये तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो इसका परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट जो आएगा वो कम आएगा। ऐसा कैसे, एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ, फिर यहाँ पे CH2, फिर यहाँ पे OCH3 आएगा, ठीक है। तो इसमें ये थोड़ा दूर चला जाएगा तो यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी और आप आराम से क्या कर सकते हो, नॉर्मली इनॉल का परसेंटेज बता सकते हो। तो आपके पास में देखो तीन कंडीशंस होती है, पहला इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरा होता है हमारे पास में, दूसरा क्या होता है, एरोमेटिक करेक्टर होता है, एंड तीसरा जो हमारे पास में होता है वो क्या होता है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन होता है। इन तीनों को यूज़ करके आप आराम से इनॉल का परसेंटेज बता सकते हो। आप देखो जब भी टोटोमेरिज्म के क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप सिर्फ एक ही चीज़ देखें कि किस तरीके से हम कौन कौन से कॉन्सेप्ट को लगा करके इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप रटने की कोशिश ना करें, ऑर्गेनिक को रटा कभी नहीं जा सकता क्योंकि इतने सारे एग्जांपल्स होते हैं, आप किस किस को रटेंगे। तो कॉन्सेप्चुअली देखें, कॉन्सेप्चुअली बात करें उस टॉपिक्स पर, उस कंपाउंड से बात करें कॉन्सेप्चुअली, वो आपको आंसर जरूर देगा ही देगा, राइट। सो यहाँ तक हम अपना वीडियो को कंप्लीट करते हैं। आई होप आपको परसेंटेज इन ऑल कंटेंट को समझ में आ चुका होगा, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है तो आप बिना किसी हेजिटेशन के आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड हमारा जो ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट था वो वापस आ चुका है, जो कि डिसेबल हो चुका था सेकेंड टाइम, उसको भी हम लोगों ने वापस रिकवर कर लिया, तो आप वहाँ पर हमें फॉलो कर सकते हैं जा करके, राइट। आप हमें जो यूट्यूब कम्युनिटी बॉक्स है उसमें जा करके भी कमेंट करके बता सकते हैं कि यहाँ पर हमें दिक्कत आ रही है, आप इसको सॉल्व करें, ओके। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, बहुत मेहनत हम लोग कर रहे हैं, है ना। और अगर आपको अच्छा रिस्पांस मिलेगा तो हम लोग इससे भी जो है चार गुना मेहनत करेंगे और आपको बहुत ही अच्छा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। हम आपको सिर्फ और सिर्फ कंटेंट, अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने का बोल सकते हैं, बाकी सारा काम आपका है कि इसको शेयर करना, इस पर व्यूज़ लेके आना, इसको सब्सक्राइब करवाना, वो सारा का सारा काम आपका खुद का ही रहेगा, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।